आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हाथ में करते हैं मोबाइल में जाता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। कोरोना महामारी के दौरान आपने एक चीज देखी होगी कि कई युवा ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई नई तकनीक इस समय विकसित की है। कई स्टार्टअप कंपनियों ने लैब विकसित की है, तो कई लोगों ने ऐसे टनल बनाए हैं जहां से लोग सैनिटाइज होकर निकल सकते हैं। ऐसा ही एक आविष्कार, एक तकनीक का उपयोग अजमेर में किया है सिद्ध भटनागर ने। सिद्ध भटनागर इस वक्त हमारे साथ है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पूरा सैनिटाइज का जो सिस्टम है, ये जो पूरी प्रणाली है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या काम कर देगी और इससे वाकई कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा या सरकार को मिलेगा, ये जानने के लिए हम सिद्ध के पास आए हैं। सिद्ध, ये जो आपने पूरी तकनीक विकसित की है, इस तकनीक को हम किस नाम से बुलाएं और ये तकनीक करेगी क्या? इसका नाम होएगा पोर्टेबल सैनिटाइजिंग टनल। इसको कहीं पर भी अपन शिफ्ट करना चाहे तो हम हमारे स्कूटर पे, हमारी गाड़ी पे रख के इसको आसानी से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और ये विदिन 10 to 15 minutes हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसमें हमने एक हैंड सैनिटाइजर रख रखा है और उसी के साथ हम जब इंसान सैनिटाइज होकर दूसरी तरफ से निकलता है तो हमने मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए भी एक रुई का फोया रख रखा है। ऐसा देखा गया है कि जनरली अपने मोबाइल पे जो पर स्क्वायर इंच में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट है वो कई बार इतने ज़्यादा होते हैं, 25,000 पर स्क्वायर इंच में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काउंट होते हैं वो हमारे टॉयलेट सीट से भी कई बार ज़्यादा होते हैं। तो उसका अभी तक कोई ध्यान नहीं रख रहा है और मोबाइल को हम एक प्रति व्यक्ति अगर देखें तो 12 मिनट में एक बार वो उसको छूता है, तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और उस पर हम ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका भी हमने थोड़ा सा इसमें बनाया है। इस में हमने एग्रीकल्चर ड्रिप इरिगेशन में जो पाइप्स यूज़ होते हैं इसका इस्तेमाल करा है और जो ड्रिपर्स में फॉगर्स जो लगते हैं उसी का हमने इस्तेमाल करके एक ये पोर्टेबल सैनिटाइजिंग टनल बनाया है। इस टनल में इंसान जब अंदर से बाहर जाएगा तो उसकी बॉडी पे जो ये छोटे छोटे फवारे के रूप में जो ये ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं उसके उसके पूरी बॉडी पे जो सैनिटाइजेशन है वो आसानी से उसकी बॉडी पर भी हो जाएगा। साथ में हमने मोबाइल का भी ध्यान रखा है तो मोबाइल पर भी वो हो जाएगा। आने वाले टाइम में जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब लोग बागों की आवाजाही बढ़ेगी दफ्तरों में और ऑफिस में, तो उस समय इंसान अपने दफ्तर में घुसा, सैनिटाइज होके अच्छी तरह वो अपने दफ्तर में गया, वहाँ भी उसने सैनिटाइजेशन का अपने अंदर अपने वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखा और वापस जब घर जा रहा है तो उसने वो वापस सैनिटाइज होके जाए। ये अपने दफ्तरों के बाहर लगा दिया जाए, पार्षदों के साथ मिलकर इनको कॉलोनीज के बाहर लगा दिया जाए, तो एक कंप्लीट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपन इससे बना सकते हैं। सिद्ध जो है वो पर्यावरण प्रेमी भी हैं और जैसा आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे पौधे दिख रहे होंगे, तो ऐसे ही एक नर्सरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से इन्होंने एग्रीकल्चर के कुछ तकनीक का फ़ायदा उठाया और उस तरीके के टनल तैयार कर दिया है। इसकी लागत क्या आई होगी और क्या ये फुली ऑटोमेटिक है या ये मैनुअली चलता है? देखिए, इसकी लागत 2,000 to 3,000 आती है जब इसको फुली ऑटोमेटेड नहीं बनाते हैं, लेकिन जब इसको अपन ऑटोमेटेड बनाते हैं तो लागत थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि उसमें एक ऑटोमेटेड मोशन सेंसर लगा होता है। उसमें क्या होता है कि जब इंसान जाएगा तब टनल के अंदर तो ऑटोमेटिक चल जाएगा और जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलेगा तो वैसे ही वो बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटेड रूप में भी इसको बनाया जा सकता है और इसको मैनुअल रूप में भी बनाया जा सकता है। 2,000 to 3,000 रुपए की इसकी लागत आएगी मैनुअल रूप की। तो देखिए कि विज्ञान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, केवल ज़रूरत है नौजवानों को तकनीक का फ़ायदा उठाने की और उस तकनीक का लाभ उठाने की। जिस तरीके का टनल बनाया गया है उससे कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन को एक बड़ी मदद मिल सकती है कि जितने भी, जब लॉकडाउन खुलेगा तो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों के मुख्य द्वार के ऊपर ऐसे टनल का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि जो भी संक्रमित या असंक्रमित व्यक्ति जब दफ्तर में दाखिल होगा तो इस टनल में दाखिल होते हुए वो इस सैनिटाइज पूरी तरीके से हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम संक्रमण को रोकने में ये टनल साबित हो सकता है। ज़रूरत है ऐसे ऐसे आविष्कारों को प्रशासन और सरकार के स्तर पर
प्रोत्साहित करने की। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एमटीटीवी इंडिया, अजमेर। ये पोर्टेबल सैनिटाइजिंग टनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी महामारी फैली हुई है, तो इसमें हमने कुछ डिसइंफेक्टेंट डाल के इसको प्रेशराइज करके हमने एक तरह का पोर्टेबल सैनिटाइजिंग टनल बना लिया है। इसको आप 5 से 10 मिनट के अंदर कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से अपन गए और यहाँ से अपन निकले। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं पूरे मेरे शरीर पे, हर जगह देखिए नीचे भी आ रहे हैं, ये पूरे मेरे शरीर पे आ चुके हैं और ये पूरा अच्छी तरह से सैनिटाइज होके इंसान यहाँ से बाहर आ गया। देखिए पूरे ये सैनिटाइज इंसान इससे हो सकता है। बहुत कम कॉस्ट में अपन इस तरह के सेटअप को कोई भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, या वो जगह जो लॉकडाउन के बाद सबसे पहले जिनको खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अपने घरों के बाहर भी अपन लगा सकते हैं, जैसे ही कोई आए फटाफट तो सैनिटाइज होके यहाँ से जा सकता है। और इसको बनाने का जो खर्च आया है वो मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा है। पोर्टेबल सैनिटाइजिंग स्टेशन है, इसमें से गाड़ी भी जा सकती है, आप देख सकते हैं टू व्हीलर बड़ी आसानी से इसमें से आ सकता है, जा सकता है, लगा सकते हैं इसको कहीं पर। इसका बड़ा सा एक प्रोटोटाइप बना के इसको अपन रोड पर भी लगा सकते हैं, गाड़ियां आए जाएं सैनिटाइज होके वो जा सकते हैं।